हेलो, सभी को नमस्कार। मैं हिमजिली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की इस वीडियो में, आज के इस क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो ESIC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगे बच्चों, बात समझ में? आप सभी को पता है कि हमने जब NORTSET 6 के लिए हमने कुछ क्लासेस चलाई थी, NORTSET जो प्रीवियस हमारा हुआ था उसमें जो हमने क्लासेस चलाई थी क्वेश्चन आंसर्स की, उस वो जो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज थी बच्चों, वो बहुत बच्चों के लिए कारगर साबित हुई है। इसीलिए हम एक आपके लिए और ESIC के लिए और भी मजेदार क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपको हूबहू एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे या इस बेस पे पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात में, आज के इस लेक्चर में आपको बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना है और एक ठंडे दिमाग से चीजों को सोचना है और समझना है। क्वेश्चन का आंसर आता है तो करना है, नहीं आता है तो वेट करना है मेरे समझाने का, ठीक है बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे लेकिन थोड़े से ट्रिकी होंगे। अगर आपको उनकी ट्रिक हाथ लग गई, आपको उनकी जो न कहते हैं ना कि नस हाथ लग जाती है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको नस पकड़ में आ गई है तो आप इजीली कैनुला इंसर्ट कर सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए, हड़बड़ी में कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है आपको। आगे बात समझ में, चले हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है? ए नर्स इज परफॉर्मिंग, देखो क्वेश्चन को बहुत डीप नहीं जाना है, क्वेश्चन को सुपरफिशियल पढ़ना है, क्वेश्चन का मीनिंग पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आपका क्वेश्चन 100% सही होने के चांसेस होते हैं। आगे बात सुन, में हड़बड़ी नहीं करनी है, बहुत टाइम है हमारे पास। एक एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन का मतलब आराम से समझेंगे, ठीक है बच्चों? चलिए, ए नर्स इज परफॉर्मिंग ए रेस्पिरेटरी असेसमेंट। नर्स क्या कर रही है, रेस्पिरेटरी असेसमेंट क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है ऑन ए क्लाइंट एंड बींग ट्रीटेड फॉर एन अस्थमा अटैक। आगे बात समझ में, एक पेशेंट है और एक नर्स है। नर्स क्या कर रही है, पेशेंट किसका है, पेशेंट किसका है बच्चों, हमारा अस्थमा अटैक का पेशेंट है, और हमारे अस्थमा अटैक का एक पेशेंट है। और नर्स क्या कर रही है, एक नर्सिंग ऑफिसर जो है वो रेस्पिरेटरी असेसमेंट कर रहा है उस पेशेंट का जिसको अस्थमा हुआ है, ठीक है? द नर्स डिटरमाइन दैट क्लाइंट रेस्पिरेटरी स्टेटस इज वर्सनिंग। वर्सनिंग का मतलब वो खतरनाक होता जा रहा है। If which of the following occur, अगर इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो अस्थमा की वर्सनिंग को दिखाता है, अस्थमा की प्रोग्रेसिवनेस को दिखाता है, बताएंगे फटाफट से। बहुत इजी आंसर है। सबसे पहले चीजें आपको समझनी है क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, फिर आपको उसका आंसर करना है। आगे बस समझ, चलिए सबसे पहली चीज, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको ये आना चाहिए कि अस्थमा क्या होता है, ठीक है बच्चों? आपको सबसे पहले वर्ड आपको ये आना चाहिए कि अस्थमा का मतलब क्या है। देखो सिंपल सी कहानी है, अस्थमा को हम हिंदी में दमा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं कि सर, दमा के नाम से जानते हैं। अस्थमा को हम क्या नाम से जानते हैं कि सर, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों कि सर, इसको हम ब्रोंकियल अस्थमा भी कहते हैं, ठीक है? अब भैया ब्रोंकियल अस्थमा तो आपने बता दिया, लेकिन इसके अंदर जनरली जो चीजें देखने को मिलती हैं, जनरली इसके अंदर जो चीजें देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है मेरे प्यारे लाल लालियों? सबसे पहली बात आपको ये समझनी है, इसके अंदर सबसे पहला क्या देखने को मिलता है कि सर, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। कहाँ का कि सर, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है। ब्रोंकियल अस्थमा का मतलब है ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। उस वजह से पेशेंट को डिफिकल्टी होती है किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर, मतलब कि सांस लेने के अंदर तकलीफ का होना क्या कहलाता है, अस्थमा कहलाता है। आगे बात समझ में, क्लियर कट बात समझ में आ गई। आपको छोटा सा मीनिंग मैंने आपको बताया है अस्थमा का कि सांस लेने के अंदर या रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होना किसके अंदर, अस्थमा के अंदर गिना जाता है। क्या होना बच्चों कि रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। और डिफिकल्टी क्यों होगी, ये डिफिकल्टी जो हो रही है वो क्यों हो रही है? देखो अस्थमा के अंदर क्या होता है, अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन होती है। अस्थमा कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। ये कैसी होती है बच्चों,
एक एलर्जिक कंडीशन होती है जिसके अंदर एलर्जी होती है पेशेंट को किसी भी डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है। तो एलर्जी के कारण क्या देखने को मिलता है, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है इन्फ्लामेशन, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि अस्थमा क्या चीज है। ठीक है, आपको जब पूरा डिटेल में हम पढ़ाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम जब आपको पढ़ाएंगे, एमएसएन का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको अस्थमा भी पूरा पढ़ाया जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जितना आपको समझा रहा हूँ उतना आपको समझना है, आपका अस्थमा क्लियर हो जाएगा, दैट्स इट। आगे बढ़ते, ठीक है, अस्थमा के बारे में आपने बताया सर, अस्थमा क्या है, एक ब्रोंकियल क्या है, एक ब्रोंकियल अस्थमा होता है। अस्थमा को हमने क्या कहा कि सर ब्रोंकियल अस्थमा कहा है, ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आपको देखने को मिलती है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, अब जो हमारी कंडीशन आपको देखने को मिली है, कौन सी कंडीशन प्यारे बच्चों, कौन सी कंडीशन देखने को मिली है, मैंने आपको बताया कि सर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी देखने को मिल रही है। वो क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि एलर्जी होती है पेशेंट को, एलर्जी की वजह से इन्फ्लामेशन होता है और इन्फ्लामेशन की वजह से जो ट्रैक्ट होता है वो कैसा हो जाता है प्यारे बच्चों, नैरो हो जाता है, और जब नैरो हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर आपको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी पेशेंट को देखने को मिलती है। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन साइन आपको देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है वीजिंग साउंड। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूं, क्वेश्चन को अगर आपसे क्वेश्चन कोई भी नहीं आता है, अगर मैं आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि आपको अगर क्वेश्चन के अते पते भी नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन हमारे, तो आपको वीजिंग साउंड पे, अस्थमा को देखते ही वीजिंग साउंड पे चले जाना है। लेकिन हर क्वेश्चन के लिए लागू नहीं होता है प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन सी कंडीशन इसके अंदर आती है। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, अभी आप ये क्वेश्चन के अंदर वीजिंग साउंड का मत लगा देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बताया है कि एक नर्स है जो कि अस्थमा के पेशेंट को क्या कर रही है, ट्रीट कर रही है, असेसमेंट कर रही है। ठीक है, नर्स डिटरमाइन, ऐसा कौन सा नर्स, नर्सिंग ऑफिसर क्या डिटरमाइन करेगा कि क्लाइंट का जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है वर्सनिंग, मतलब खतरनाक होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है। अब मैं आपसे एक कंडीशन की बात करता हूं कि आपने ये देखा कि वीजिंग साउंड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपको वीजिंग साउंड देखने को मिल रहा है, ये पक्की बात है। ठीक है, अब साउंड कब देखने को मिलता है, जब पेशेंट सांस लेगा तब आपको साउंड देखने को मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि वीजिंग साउंड कैसा होता है, कि पेशेंट कैसा करेगा, जब सांस छोड़ता है, एक्सपिरेशन करता है, एक्सपायरेशन जब करेगा पेशेंट, एक्सपायरेशन होता है और एक्सपायरेशन होता है, जब एक्सपायरेशन मतलब सांस छोड़ेगा तो आपको वीजिंग साउंड देखने को मिलता है। इसका मतलब समझना है कि पेशेंट को अस्थमा की कंडीशन देखने को मिल रही है। आगे बात समझ में, लेकिन कंडीशन क्या पूछे गई है कि वर्सनिंग कंडीशन देखने को मिल रही है, लेकिन वर्सनिंग कंडीशन तो ये वीजिंग साउंड की नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो हमारे पास दो तरीके के अस्थमा होते हैं, एक होता है माइनर अस्थमा होता है और एक होता है सीवियर अस्थमा अटैक। ठीक है, एक होता है माइनर अस्थमा अटैक होता है, एक सीवियर अस्थमा अटैक होता है। अगर मैं माइनर की बात करता हूं तो माइनर के अंदर क्या देखने को मिलता है कि सर वीजिंग साउंड देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे कंडीशन सीवियर की तरफ चली जाती है वैसे वैसे क्या हो जाता है बच्चों, इसके अंदर रेस्पिरेटरी जो रेट होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है और वीजिंग साउंड क्या हो जाता है, वीजिंग साउंड जो होता है वो कम होता चला जाता है। अब वीजिंग साउंड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर फ्लो देखने को मिल रहा है। जैसे कंडीशन ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब समझ में आ रही है आपके बात, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, देखो आपको मैं सिंपल सी बात समझाना चाहता हूं प्यारे बच्चों। दो कंडीशन मैंने आपको बताई है, एक होता है माइनर अस्थमा अटैक होता है, एक होता है सीवियर अस्थमा अटैक होता है। ठीक है, अब मैंने आपको माइनर के बारे में बताना है कि माइनर के अंदर जो रेस्पिरेशन का फ्लो होता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो एयर फ्लो होता है, एयर फ्लो जो होता है वो कैसा होता है, सफिशियंट होता है। कैसा होता है, एयर फ्लो सफिशियंट है, तभी तो साउंड देखने को मिल रही है, तभी तो आपको आवाज देखने को मिलेगी। और आवाज कौन सी होगी मेरे प्यारे लाल लालियों, कि सर वीजिंग साउंड होगी। कैसी होगी, वीजिंग साउंड होगी, मतलब कि इनिशियल फेज के अंदर आपको वीजिंग साउंड देखने को मिल रही है, मतलब पेशेंट को अस्थमा की कंडीशन आ गई है। ठीक है, आगे बात समझे, अब जैसे ही कंडीशन सीवियर होती है तो वहां पे क्या होगा कि बच्चों एयर फ्लो जो होगा वो कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। डिमिनिश्ड का मतलब, डिमिनिश्ड का मतलब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
और जब ये फ्लो डिक्रीज होता है तो क्या आपको साउंड देखने को मिलेगी? क्या आपको साउंड देखने को मिलेगी कि सर बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी? साउंड कैसी हो जाएगी? डिमिनिश्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? डिमिनिश्ड साउंड आपको देखने को मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? मैंने आपको बताया था, हमारी जब फंडामेंटल क्लासेस हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है, नॉर्मल जो रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो कितनी होती है कि सर 12 से 20 बीत पर मिनट होती है, जबकि काफी बच्चे इसको 16 से 24 लिखते हैं, लेकिन नए कॉन्सेप्ट के आधार पर 12 से 20 बीत पर मिनट होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बेझिझक यही आंसर करना है, बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। आपको इजीली क्वेश्चंस बताए जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है? मतलब टफ क्वेश्चंस होंगे वो इजी वे में आपको बताए जा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन के अंदर हमने देखो कंडीशन के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी कि सर हमने देखा कि जैसे ही कंडीशन रेस्पिरेटरी स्टेटस वर्सनिंग होता जा रहा है, वर्सनिंग का मतलब सीवियर की तरफ चला जा रहा है, तो सीवियर जब भी कंडीशन होगी तो कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी? देखो वीजिंग साउंड लाउड तब होता है जब आपके पास एयर फ्लो के लिए सफिशियंट स्पेस होता है, मतलब जगह प्रॉपर होती है, तो ये बीजिंग साउंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना, बीजिंग साउंड ऑन एक्सपायरेशन, देखो बीजिंग साउंड एक्सपायरेशन पे कब होता है? अगर आपको वीजिंग साउंड एक्सपायरेशन पे मतलब कि छोड़ते हुए देखने को मिल रहा है तो माइनर कंडीशन है, और अगर आपको एक्सपायरेशन और एस्पायरेशन मतलब सांस लेने पे भी देखने को मिल रहा है और एक्सपायरेशन छोड़ने पे भी देखने को मिल रहा है, मतलब कि सीवियर कंडीशन है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। और क्या कह रहा है कि नोटिस नोटिएबली डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, भैया ब्रेथ साउंड अगर किसी का कम हो गया है तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई है? वर्स हो गई है, पेशेंट को सांस ही नहीं आ रही है। मैंने आपको बताया था 12 से 20 बीत पर मिनट होती है, अगर ये 6 आ जाए या 8 बीत पर मिनट रह जाए बच्चे की या किसी पेशेंट की जिसको अस्थमा का अटैक आया है, उस कंडीशन के अंदर ये देखने को मिल जाती है। आगे बात समझ में? चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि वीजिंग ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, भैया इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के अंदर क्या देखने को मिलती है आपको? सीवियर कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा कि डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, कि ब्रेथ साउंड का डिमिनिश्ड हो जाना। आगे बात समझ में? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूं कि अगर किसी बंदे को अस्थमा का अटैक आया है या फिर हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी किसी को डिफिकल्टी है, अगर सांस लेने में किसी को तकलीफ आ रही है तो उसके अंदर बेस्ट पोजीशन क्या होती है? ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, तो आपको एक ही आंसर करना है, हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन और सिटिंग पोजीशन भी हम इसको लिख सकते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? मैंने क्या बताया है कि सर हाई फॉलर्स पोजीशन या सिटिंग पोजीशन के अंदर भी हम इस कंडीशन को देख सकते हैं और लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? यहां तक की क्लास में किसी को डाउट है प्यारे बच्चों? आई होप कि यहां तक की क्लास में आपको डाउट नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है और इजीली समझ में आ भी गया होगा, ठीक है? चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द नर्स इज असेसिंग द कास्टेड एक्सिमिटी ऑफ द क्लाइंट फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज इंडिकेट द इन्फेक्शन। देखो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन को समझना है सिर्फ और सिर्फ। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपके चीजें एकदम आपके दिमाग की जो बत्ती है वो खुल जाएगी, आपके दिमाग की जो बत्ती है बच्चों वो खुल जाएगी 100%। अगर आपने ये क्वेश्चन गलत किया तो ये मान लेना कि आप बहुत पीछे हो। आगे बात समझ में? चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नर्स है जो असिस्ट कर रही है कास्ट एक्सट्रीमिटीज को ऑफ द क्लाइंट, एक क्लाइंट के फ्रैक्चर हुआ, एक पेशेंट है जो कि फ्रैक्चर हुआ है, उसके कास्ट बंधा हुआ है हाथ में। अपन को क्या करना है? इन्फेक्शन के साइन को देखना है, ठीक है? साइन ऑफ इन्फेक्शन को देखना है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इंडिकेट द इन्फेक्शन। अब मुझे एक कंडीशन आपको बतानी है कि जब भी कास्ट बंधा होता है किसी पेशेंट के तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। देखो डिपेंडेंट एडिमा हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, डिपेंडेंट एडिमा भी सही जाएगा आंसर, ठीक है? इसका आंसर ये नहीं जाएगा। एक बात मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कास्ट के अंदर कौन कौन सी कंडीशन अराइज होती हैं। देखो डिपेंडेंट एडिमा भी होता है, डिमिनिश डिस्टल पल्स भी हो सकती है, कि डिस्टल पल्स का मतलब कि हमारे ने यहाँ से कास्ट बांधा हुआ है और आगे की जो पल्स है हमारे हैंड की जो पल्स है वो डिमिनिश हो गई है, बहुत कम हो गई है, ठीक है? पल्स वहां पे नहीं आ रही है तो उससे नेक्रोस होने के चांसेस होते हैं हाथ के, तो हमें ये भी चीज को मॉनिटर करना है। कूलनेस एंड पेरलनेस ऑफ स्किन,
हमें इसको भी देखना होता है कि हमारी जो स्किन है वो पीली तो नहीं पड़ गई है, ठंडी तो नहीं पड़ी है, ठीक है, उसको भी हमें देखना होता है। एंड प्रेजेंस ऑफ हॉट स्पॉट ऑफ द कास्ट। अब मेरी बात का समझना, एक कॉमन सेंस वाली बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, ठीक है। देख, बहुत ज्यादा डीप नहीं है ये बात, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बारे में अपन को इन्फेक्शन के साइन को यहाँ पे देखना है, ठीक है। इन्फेक्शन जब भी पेशेंट को होता है, जब भी पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो कंडीशन कैसी हो जाती है? फीवर वाली कंडीशन होती है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट को क्या हो जाता है? फीवर आता है। मतलब हम कह सकते हैं कि फीवर एक अच्छा साइन होता है, बुरा साइन नहीं होता है। वो आपको बताता है कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ अनबॉर्मेलिटी आई है, तभी मैंने फीवर शो किया है, ठीक है। तो पेशेंट को जब भी इन्फेक्शन होता है तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि पेशेंट का शरीर गर्म होने लगता है, पेशेंट का वह पार्ट जहां पे इन्फेक्शन हुआ है वो कैसा हो जाता है? हॉट स्पॉट कहलाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? हॉट स्पॉट कहलाता है। जब भी इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है? हॉट स्पॉट होता है। हॉट स्पॉट वो मोबाइल से कनेक्ट करने वाला हॉट स्पॉट नहीं होता है कि आपका नेट खत्म हो गया है तो आप अपने भाई से ले रहे हो, आप अपने पापा से ले रहे हो, आप अपनी मम्मी से ले रहे हो कि हॉट स्पॉट क्या दे दो कि मम्मी जी पापा जी हॉट स्पॉट दे दो, मुझे नेट चलाना है, मुझे रील्स स्वाइप करनी है, मुझे रील्स देखनी है। तो भैया रील्स का जमाना नहीं है, अब आपको पढ़ाई का जमाना है, आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपके जो ड्रीम है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है, इस टाइम पे पीक समय है बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना पढ़ाई के लिए दें ताकि आप इजीली इस चीज को क्रैक कर पाए और इजीली इस बेरोजगारी से निकल पाए। आगे बात सुन, तो मैं आपसे यही बात कहूंगा कि इन्फेक्शन जब भी होता है पेशेंट को फीवर आता है, और फीवर जहां पे इन्फेक्शन होता है वो साइट जो होती है वो बहुत ज्यादा गर्म आपको देखने को मिलती है। इसीलिए आपको पता है कि आप जब आपके हाथ में कोई फोड़ा होता है, जब आपके हाथ में कोई फोड़ा हो जाता है तो आसपास का एरिया एकदम रेडनेस आपको देखने को मिलती है और गर्म बहुत ज्यादा हो जाता है। होता ही नहीं होता कि बहुत ज्यादा लाल ताता हो जाता है, कहते हैं ना कि एकदम गर्म हो गया, तो वो गर्म स्पेस आपको देखने को मिलता है। तो उसी चीज को आपको समझना है कि सर हमें क्या देखने को मिला इन्फेक्शन में? हॉट स्पॉट देखने को मिलेगा। स्पॉट का मतलब जगह होता है, हॉट का मतलब गर्म होता है। तो वह जगह कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, ठीक है। अब काफी बच्चों का सवाल है कि सर डिपेंडेंट एडिमा भी होता है, डिमिनिस्ड पल्स भी होती है, एंड कूलनेस ऑफ पिलर भी स्किन हो जाती है। तो बच्चों ये तीनों जो साइन होते हैं वो किसके होते हैं? ये सर्कुलेशन से रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? कि सर्कुलेशन से रिलेटेड होते हैं, कि अगर आपके हाथ में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो आपको डिमिनिश्ड डिस्टल पल्स देखने को मिल सकती हैं, कूलनेस देखने को मिलती है। जब डिस्टल पल्स नहीं होंगी, जब पल्स हमारा जो बीट नहीं करेगा तो आपको ठंडा महसूस देखने को मिलेगा और ठंडी वो जगह हो जाएगी। आगे बात इसमें डिपेंडेंट एडिमा का मतलब होता है कि अगर आपने हाथ, जैसे आपके कास्ट यहाँ पे बंधा हुआ है तभी तो हम यहाँ पे रखते हैं हाथ को गर्दन में बांध के, एक पट्टी गर्दन में बांध के और यहाँ लटका के रखते हैं ताकि डिपेंडेंट एडिमा को प्रिवेंट किया जा सके। आगे बात इसमें, तो हाथ को कभी भी लटकाना नहीं होता, अगर लटकाओगे तो आपको एडिमा देखने को मिलता है। आगे बस, बहुत इजी क्वेश्चन था और आपको बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को लाइट नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही तरीके के क्वेश्चंस, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस जो है ईएसआईसी के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। द होम केयर नर्स, एक होम केयर नर्स है जो कि होम का मतलब है कि केयर कर रही है नर्स उसके घर पर ही पेशेंट है। एंड मेकिंग द फॉलो अप विजिट, क्या कर रही है? फॉलो अप विजिट कर रही है। द पेशेंट जो है वो रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट है। देखो, एक नर्स है जो कि रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट को क्या कर रही है? विजिट कर रही है एंड नर्स असिस्ट कर रही है, असिस्ट द क्लाइंट एंड विच साइन एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। भैया साइन पूछा गया है एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन का। रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है पेशेंट को और क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि जब रीनल ट्रांसप्लांट होता है तो एक्यूट रिजेक्शन के कौन कौन से साइंस होते हैं? देखो, आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि हमारे पास तीन चीजें होती हैं, हमारे पास तीन तरह की चीजें होती हैं। एक होता है हाइपर एक्यूट, तीन टाइप के रिजेक्शंस होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। एक होता है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन होता है, एक होता है एक्यूट रिजेक्शन होता है, एक होता है क्रॉनिक रिजेक्शन होता है,
ठीक है, अब मैं आपसे हाइपर एक्यूट की बात करूं कि अगर भैया आपने रीनल ट्रांसप्लांट किया, मतलब कि 1 वीक के अंदर या 2 से 3 दिन के अंदर ही पेशेंट की कंडीशन में सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, इसका मतलब वो इमीडिएटली क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है बॉडी ने, हाथों हाथ ही उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको बोलेंगे हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। ठीक है, एक्यूट रिजेक्शन किसे बोलेंगे मेरे प्यारे लाल लालियों, कि सर एक्यूट रिजेक्शन हम उसको बोलेंगे कि मंथ से लेके, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर किसी को वीक से लेके मंथ तक, किसी को वीक से लेके मंथ तक अगर रिजेक्शन होता है तो उसको एक्यूट रिजेक्शन के अंदर रखा जाता है। और क्रॉनिक रिजेक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी को मंथ से ईयर्स तक क्या होता है, रिजेक्शन होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, क्रॉनिक रिजेक्शन के अंदर रखा जाता है। अगली बात सुनिए, आपको 3 चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है कि हाइपर एक्यूट रिजेक्शन क्या होता है, जो इमीडिएट रिजेक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। एक होता है एक्यूट रिजेक्शन, एक्यूट का मतलब होता है कि वीक से लेके मंथ तक की अगर प्रोसेस चलती है तो उसको बोलते हैं एक्यूट रिजेक्शन। क्रॉनिक का मतलब होता है कि आपको मंथ से लेके और कहाँ तक कि ईयर्स तक, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1 मंथ से लेके और 5 साल, 10 साल, 15 साल, कभी तक भी अगर रिजेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक रिजेक्शन, जो कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। वो क्या करता है बच्चों, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। आगे बात, अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट है तो साइंस आपको बताने हैं एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन के। देखो सिंपल सी बात मैं आपसे करूंगा, ठीक है, आपसे बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे करूंगा कि जब भी हमारा पेशेंट, जब भी आपने क्या किया है, आपने किसी पेशेंट को रीनल ट्रांसप्लांट किया है, दो कंडीशन से आपको इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, दो कंडीशंस बताऊंगा इस क्वेश्चन की, आपको दो कंडीशंस के अंदर आपको आंसर जो है आप अपने मुंह से बता दोगे। ठीक है, रीनल ट्रांसप्लांट अपने एक पेशेंट को किया है, ठीक है, आप उसको असिस्ट कर रहे हो, रीनल ट्रांसप्लांट जब भी करते हैं और जब रिजेक्ट हो जाता है, आपने एक पेशेंट को रीनल ट्रांसप्लांट किया, किडनी दूसरी लगाई है, ठीक है, अब आपने जब किडनी लगा दी है तो अगर उसको, या समझ दैट 2 मंथ के बाद उसको रिजेक्शन देखने को मिला, मतलब रिजेक्ट होगा, तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी आपको, ऑलिगुरिया देखने को मिलेगा या पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। अगर कोई चीज बॉडी ने रिजेक्ट कर दी है तो वहां से काम करने की क्षमता क्या हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है। और जब बंद हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि सर ऑलिगो यूरिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ऑलिगो यूरिया, मतलब कि यूरिन आउटपुट कैसा हो जाता है मेरे प्यारे लाल लालियों, कि सर कम देखने को मिल जाता है। और जब यूरिन आउटपुट कम होता है तो बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, कि बॉडी के अंदर फ्लूड ओवरलोड होता है, फ्लूड ओवरलोड होता है। और जब फ्लूड ओवरलोड होता है बॉडी के अंदर तो आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है या हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो सभी को पता होगा जब भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लूड का रिटेंशन होता है या फ्लूड वॉल्यूम बढ़ता है तो आपको हाइपरटेंशन की शिकायत देखने को मिलती है। ये सभी को बात पता है या नहीं है, देखो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों के साथ आप चलोगे तो 100% आपके क्वेश्चन जो है वो सही होने की कगार पे होंगे। आगे बढ़ सकते हैं, अब इस क्वेश्चन को आपको देखना है कि हाइपरटेंशन कौन सी कंडीशन के अंदर आ रहा है, कौन से ऑप्शन के अंदर आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जब भी चीजें रिजेक्ट होती हैं, जब भी आपने किसी पेशेंट को रीनल ट्रांसप्लांट किया तो बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा भैया, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारी WBCs होती हैं, वो क्या करेगी, फाइट करेगी उसको रिजेक्ट करने के लिए, वो क्या करेगी, उस चीज से फाइट करने की कोशिश करेगी, उसको रिजेक्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी तो उससे फाइट करेगी, और जब फाइट करेगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि भैया लड़ाई चल रही है, तो लड़ाई जब चलेगी तो हीट प्रोड्यूस होगी और फीवर देखने को मिलता है पेशेंट को। तो आपको दो कंडीशंस हमेशा याद रखनी है, जब भी रिजेक्शन होता है तो दो कंडीशंस अराइज होती हैं और इन दो के बेसिस पे ही आपको आंसर आपको निकल के आ जाएगा। आगे बात सर, चलिए अब हम देखते हैं, एक तो हमारा हाइपरटेंशन हमें देखना है और दूसरा हमारा क्या देखना है, कि सर हमें एक तो हाइपरटेंशन के बारे में देखना है और एक फीवर के बारे में देखना है। आगे बात समझ, देखो देखो हाइपोटेंशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हाइपरटेंशन की बात करी गई है, मतलब कि ये आंसर बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हाइपरटेंशन भी बताया गया है, ऑलिगुरिया भी बताया है, लेकिन हाइपोथर्मिया बताया गया है। ठीक है, अब तीसरे में बताया गया है कि सर फीवर आया है, लेकिन यहाँ पे फीवर नहीं है। देखो हाइपोथर्मिया एक होता है, हाइपरथर्मिया
फीवर को क्या बोलेंगे, हाइपरथर्मिया बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब हाइपोथर्मिया होगा पेशेंट को, लेकिन हाइपोथर्मिया नहीं होता है। क्या होता है, लड़ाई होती है तब, जब लड़ाई होती है दो गुटों के बीच में, दो चीजों के बीच में, तो हीट प्रोड्यूस होती है, होती है नहीं होती है कि सर होती है, तो फीवर देखने को मिलेगा। तो कंडीशन क्या कही है कि सर यहाँ पे फीवर भी आपको देखने को मिल रहा है, हाइपरटेंशन भी आपको देखने को मिल रहा है, ग्राफ्ट की टेंडरनेस भी आपको देखने को मिलती है, एंड मेलेस भी देखने को मिलता है, पेशेंट वीकनेस देखने को मिलती है। मतलब कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपका। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। देखो फीवर यहाँ पे आ रहा है, हाइपोटेंशन नहीं होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो दो चीजों को आपको देखना है, ग्राफ टेंडरनेस हमेशा आपको देखने को मिलती है, टेंडरनेस का मतलब होता है कि हल्की सी सूजन आपको देखने को मिलेगी आपने जहां पे भी इम्प्लांट किया है। आगे बात समझ में, देखो बहुत ज्यादा चीजें टफ नहीं है, टफ आपकी मेंटेलिटी बनाती है, आपके क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका बनाता है। क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, 100% आना चाहिए, नहीं तो आपके क्वेश्चन जो है गलत होने लग जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन को पढ़ना आता है तो मैं आपसे कहता हूं कि 100% आप क्वेश्चन को सही करोगे। आगे बात समझ में, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चले। बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक क्लाइंट डेवलप द ओरल म्यूकोसाइटिस। म्यूकोसाइटिस मतलब, म्यूकोसाइटिस का मतलब क्या होता है, या तो छाले हो गए हैं मुंह के अंदर, या स्टोमेटाइटिस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटाइटिस, ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, स्टोमेटाइटिस कहलाता है। स्टोमेटाइटिस का मतलब वो नहीं होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक। काफी बच्चे इस चीज को गलत पढ़ते हैं। बच्चों देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टोमेटाइटिस, दो चीजें होती हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं आज के आज ही। स्टोमेटाइटिस होता है, एरिक होता है, गैस्ट्राइटिस, ठीक है। गैस्ट्रिक जो वर्ड यूज होता है वो हमारे स्टमक के लिए होता है, मतलब कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक क्या कहलाता है, गैस्ट्राइटिस कहलाता है। और इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या है कि इन्फ्लामेशन ओरल म्यूकोसा, कि भैया ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, स्टोमेटाइटिस कहलाता है। दोनों की दोनों टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इनको। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लाइंट है डेवलप ओरल म्यूकोसा, ओरल म्यूकोसाइटिस मतलब कि उसके इन्फ्लामेशन बॉडी के ओरल कैविटी के अंदर हो गया है एज अ रिजल्ट ऑफ रेडिएशन हेड एंड नेक। उसने कहीं पे भी रेडिएशन खाई होंगी हेड एंड नेक पे, तो उसकी वजह से उसको क्या हो गया है, म्यूकोसाइटिस हो चुका है। म्यूकोसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा, ठीक है। द नर्स शुड टीच द क्लाइंट इन कॉपरेट, नर्स शुड टीच द क्लाइंट इन कॉपरेट। इन कॉपरेट का मतलब क्या है, इन कॉपरेट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इन हिज हर डेली केयर रूटीन, डेली होम केयर रूटीन, मतलब कि उसको ऐसी कौन सी चीज बताएंगे कि उसके उसको ट्रीट किया जा सके और वो जल्दी से ठीक हो सके, उसको ऐसा होम रूटीन आपको बताना है। देखो सिंपल सी बात है, जब भी आपके मुंह में छाले होते हैं तो आप क्या काम करते हो, जब आपके मुंह में इरिटेशन होती है तो आप क्या काम करते हो, ठीक है। अब आपको बताना है क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओरल हाइजीन, देखो ओरल हाइजीन बेस्ट होती है हमारे उसके लिए, ठीक है, म्यूकोसाइटिस के लिए ओरल हाइजीन तो हमें करना ही करना है। तो क्या कह रहा है कि ओरल हाइजीन शुड बी परफॉर्म मॉर्निंग एंड इवनिंग। ये कह रहा है कि सुबह और शाम आपको ओरल हाइजीन पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन इस ऑप्शन से हम सेटिस्फाइड हैं। एक गिलास ऑफ वाइन, आप क्या कहोगे उसको कि दारू पी ले भाई, वाइन पी ले, शराब पी ले, ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओरल कैविटी के लिए इरिटेटिंग होती है, ओरल कैविटी को इरिटेट करने का काम करती है। तो हमें कभी भी जब हमें म्यूकोसाइटिस होता है, स्टोमेटाइटिस होता है, हमारे मुंह में छाले होते हैं, तो बियर नहीं पीनी चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए। आगे बात समझ में, चलिए। हाई प्रोटीन फूड और पीनट बटर, देखो पीनट बटर आप नहीं खा सकते हो, पीनट बटर जो होता है गाढ़ा होता है, आपकी म्यूकोसा से आपके छालों में चिपक सकता है और उससे आपको इन्फेक्शन होगी, ठीक है। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है भैया। इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ बीक सलाइन और वाटर एंड सोल्यूशन, बीक सलाइन का मतलब है वॉर्म सलाइन, ठीक है, मतलब हल्का सा वॉर्म सलाइन आपको लेना है, ठीक है। सोल्यूशन एंड टू बी यूज रिंस माउथ बिफोर एंड एज आफ्टर ईच मील। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर ईच मील, देखो दोनों क्वेश्चंस के अंदर दो क्वेश्चन तो हमने एलिमिनेट कर दिए हैं, पहला क्वेश्चन मतलब पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दोनों के अंदर
अलग अलग चीजें बताई गई हैं। हालांकि चीजें सेम ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस बताया गया है। एक तो कह रहा है कि सुबह शाम में आपको करना है, और दूसरा कह रहा है कि जब भी खाना खाते हो उसके बाद आपको एक वॉर्म सलाइन से अपना मुंह धोना है। कौन सा बेस्ट रहेगा? तो बिल्कुल बच्चों, हमारा आंसर फोर्थ ही जाएगा, क्योंकि हर खाने के बाद आपको अपना मुंह जो है वो रिंस कर लेना है, ताकि किसी भी तरह का कोई पार्टिकल जो है वो आपके मुंह के अंदर नहीं चिपका रहे। आगे बात समझ में चले अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन को पढ़ना समझना, ठीक है? क्वेश्चन बहुत लेंदी है, क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं है, आपको बस समझना है, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये लीजिए, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन हमने कर दिया है, ठीक है? क्वेश्चन को पढ़ेंगे अभी आप। एक क्लाइंट विद द नोन हिस्ट्री ऑफ पैनिक डिसऑर्डर एंड केम इन द, एक क्लाइंट है जिसकी नोन हिस्ट्री है क्या पैनिक डिसऑर्डर, मतलब वो डरा हुआ है पेशेंट है। वो पेशेंट क्या है? डरा हुआ है। पैनिक का मतलब वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। एंड केम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, वो कहाँ आता है? आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। केम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड स्टेट द नर्स, क्या कहता है? एंड स्टेट द नर्स, नर्स को क्या करता है? एक स्टेटमेंट देता है, एंड प्लीज हेल्प मी, मेरी हेल्प करें। एक कौन सा स्टेटमेंट दिया है उसने? प्लीज हेल्प मी, आई थिंक आई हैविंग द हार्ट अटैक। वो पेशेंट आपके पास आता है, वो आपसे कहता है, सपोज दैट आप एम्स के अंदर, एम्स की इमरजेंसी के अंदर आप काम कर रहे हो एज ए नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है? अब आप नर्सिंग ऑफिसर की तरह काम कर रहे हो, आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो कहता है हेल्प मी, मुझे बचाओ, मुझे हार्ट अटैक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आया है। जब हार्ट अटैक आता है तो पेशेंट ऐसे बोलता नहीं है, ठीक है? पहली बात तो ये कि व्हाट आपको क्या करना है, कौन सी प्रायोरिटी असेसमेंट आपका होना चाहिए, आप सबसे पहले उस पेशेंट के साथ क्या करोगे? सबसे पहले उस पेशेंट के साथ आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, ठीक है? क्वेश्चन पहला ऑप्शन कह रहा है कि चेक द वाइटल्स, क्या आप उसके वाइटल साइन चेक करोगे? एंड एनकरेज द क्लाइंट एंड यूज द रिलैक्सेशन टेक्निक, उसको आप समझाओगे और रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज करोगे, ठीक है? आइडेंटिफाई द मैनिफेस्टेशन रिलेटेड द पैनिक डिसऑर्डर्स, क्या आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे मैनिफेस्टेशन को कि उसको कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं पैनिक डिसऑर्डर्स के, ठीक है? एंड डिटरमाइन व्हाट द क्लाइंट एक्टिविटी इन्वॉल्व व्हेन द पेन इज स्टार्टेड, कह रहा है कि चौथा ऑप्शन कह रहा है कि डिटरमाइन करना है आपको क्लाइंट की एक्टिविटीज को, एक्टिविटीज को इन्वॉल्व कर रहा है कि कहीं से पेन तो नहीं हो रहा है पेशेंट को। तो चारों ऑप्शंस के अंदर आप सबसे पहला क्या करोगे, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर काम कर रहे हो, एम्स के अंदर आपके पास कोई मरीज आता है और कहता है कि मुझे मेरी हेल्प करो, मुझे शायद हार्ट अटैक आया है, ठीक है? तो आपको सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या चूज करना है, प्रायोरिटी के ऊपर बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, जब भी इमरजेंसी के अंदर ऐसा कोई पेशेंट आता है तो हमें हमेशा ही क्या करना होता है, वाइटल साइंस को चेक करना होता है। देखो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल में नहीं घुसोगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे वैसे आपको घुसते चले जाना है कि आप एक हॉस्पिटल की इमरजेंसी में हो, आपके पास कोई पेशेंट आया, पेशेंट ने क्या कहा कि मुझे शायद हार्ट अटैक आया है तो मुझे मेरी जान बचाओ, ठीक है? तो आप ऐसा जब आप सोचोगे कि हाँ मैं एक एम्स का नर्सिंग ऑफिसर हूँ और मेरे पास आता है तो मुझे हंटे हैंड पॉइंट क्या करना है, वाइटल साइन चेक करने हैं उसका, आपको क्या करना है, बीपी देखना है उसका, SpO2 आपको देखना है, उसकी पल्स आपको देखनी है, ठीक है? ये सारी चीजें आपको देखनी होती है बच्चों, और इसके क्राइटेरिया होता है कि कैसे कैसे आपको देखना होता है, जो कि मैंने फंडामेंटल क्लासेस के अंदर पूरी चीज बता रखी है आपको, क्या करना है, रूटीन वाइटल साइंस क्या होते हैं, ठीक है? और इमरजेंसी के अंदर क्या करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। तो उन चीजों को आपको फोकस करना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो गलत ना हो, ठीक है? और भी सारी चीजें हम कर सकते हैं कि पेशेंट को समझाएंगे और क्या करेंगे। देखो ये समझाने वाला मैटर नहीं है, पेशेंट अगर कह रहा है तो आपको वाइटल साइन चेक करने होते हैं, समझाना गया तेल लेने, समझाएंगे हम बाद में, सबसे पहले हम पेशेंट के वाइटल चेक करेंगे, अगर उसका बीपी वगैरह सब ठीक है तो उसके बाद हम उसको समझाएंगे, क्लाइंट के मैनिफेस्टेशन बाद में देखेंगे, ठीक है? क्लाइंट को डिटरमाइन करेंगे कि एक्टिविटी इन्वॉल्व उसके पेन को बाद में देखेंगे, ठीक है? सबसे पहला काम हमें यही करना होता है कि वाइटल साइन चेक करने होते हैं। इमरजेंसी में, इमरजेंसी का नाम ही इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी में पेशेंट तभी आता है जब वाइटल्स अनस्टेबल होते हैं, ठीक है?
सबसे पहले इमरजेंसी क्यों होती है हॉस्पिटल के अंदर, घुसते ही इमरजेंसी क्यों बनाई जाती है हॉस्पिटल के अंदर, इसीलिए बनाई जाती है कि कोई भी पेशेंट आए तो सबसे पहले उसके हम वाइटल चेक कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए। ए नर्स हैज जस्ट फिनिश द असाइनिंग एंड असिस्टिंग द फिजिशियन। एक नर्स है जो क्या कर रही है, जस्ट उसने फिनिश किया है असिस्टिंग द फिजिशियन एंड प्लेसिंग द सेंट्रल इंट्रावीनस कैथेटर या इंट्रावीनस लाइन। कि भैया एक एक नर्स है, एक नर्सिंग ऑफिसर है जिसने अभी सीवीपी डलवाई है क्वेश्चन एक डॉक्टर के साथ। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी इंटरवेंशन आफ्टर द सेंट्रल लाइन इंसर्शन। भैया आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो, देखो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है क्योंकि हम डेली बेसिस पे सीवीपी डलवाते हैं, और सीवीपी डलवाने के बाद हमें कौन सा काम करना होता है अर्जेंट, वो कौन सा काम होता है उसके बारे में मुझे पता है। ठीक है, अब आपको इस चीज को समझना है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को समझना। ठीक है, आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो, एक आईसीयू के अंदर आप एडमिट, आप आईसीयू के अंदर एक नौकरी करते हो एम्स के अंदर। ठीक है, अब आपको एक पेशेंट, आपको एक पेशेंट आया, आपके पास एक पेशेंट आया, उसको सीवीपी डालनी है। आपके डॉक्टर ने बोला कि इसको सीवीपी का जो सिस्टम है वो रेडी कर लीजिए, जो उसका ट्रॉली है वो रेडी कर लीजिए, सीवीपी इसको डालेंगे। तो आपको रेडी करना है, कौन कौन सी चीजें आपको रखनी है, देखो कौन कौन सीवीपी इंसर्शन के लिए आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपको सीवीपी लाइन चाहिए, ठीक है, आपको ओपीटी चाहिए। ओपीटी का मतलब होता है कि एक रैप करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कट शीट चाहिए। कट शीट आपको पता है, कट शीट हम क्या करते हैं कि एक खाली एरिया होता है, देखो इस तरह की शीट होती है जिसके अंदर एक खाली एरिया होता है, इस खाली एरिया को उसी पार्ट को विजुअलाइज करते हैं जिस पार्ट का हमें ऑपरेशन करना है, जिस पार्ट को हमें इंसर्ट करना है उसी पार्ट को हम ऑपरेशन करते हैं, बाकी का पेशेंट जो है पूरा कवर कर देते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, बीटाडीन चाहिए, क्या चाहिए, बीटाडीन चाहिए। ठीक है, हमें गॉस पीस चाहिए, ठीक है, हमें हमें क्या चाहिए, लोकल चाहिए, हमें पेशेंट को लोकल भी लगाना है। लोकल जब हम देख, सबसे पहली चीज तो हमें क्या करना है, क्लीन करना है, तो क्लीन का हमने बीटाडीन और गॉस पीस ले लिया। ठीक है, हमें एक सीवीपी सेट लेना होता है, सीवीपी लाइन तो हमने ले ली, सीवीपी सेट का मतलब होता है कि जिसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं सीवीपी लाइन को इंसर्ट करने के लिए, जिस बॉक्स के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हमें आर्टरी की जरूरत पड़ेगी, हमें सीजर की जरूरत पड़ेगी, हमें बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, एक बॉल की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर हम बीटाडीन लेंगे। ठीक है, और हमें लास्ट में हमें क्या करना होता है, हमें टैगाडम भी चाहिए होता है, उसको हमें क्या करने के लिए, कवर करने के लिए हमें उसका, हमें और क्या चाहिए होती है बच्चों, हमें सूचरिंग सूचर चाहिए होता है क्योंकि हमें उसको टाई करना होता है ना, तो सूचर भी चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें हमें सीवीपी लाइन इक्विपमेंट के लिए क्या होती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने सीवीपी को डलवा दिया है तो उसके बाद आपका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, प्रायोरिटी पे। ठीक है, सपोज दैट किसी डॉक्टर ने सीवीपी डाली, ठीक है, अब उससे सीवीपी जो है वो रॉन्ग डल गई, मतलब सही जगह पे नहीं डली है, वो चेस्ट के अंदर चली गई है, मतलब हम सब सबक्लेवियन वेन के अंदर डाल रहे थे, जुगलर वेन के अंदर डाल रहे थे, लेकिन वेल के अंदर वो चली नहीं गई है, वो वेन की वजह कहाँ चली गई है, हमारे हम कह सकते हैं चेस्ट के अंदर चली गई है। ठीक है, थोड़ा सी कैविटी के अंदर चली गई है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर न्यूमो होने के चांसेस होते हैं। न्यूमो का मतलब उसके अंदर से हवा भरने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहला हमें कैसे हम पता लगाएंगे कि वो हमारी लोकेशन पे है या नहीं है, कैसे हमें पता लगेगा कि वो वेन के अंदर है या बाहर है, कैसे पता लगेगा, देखो सबसे पहला आंसर आपको इसके अंदर दे रखा है, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर द चेस्ट रेडियोग्राफ, चेस्ट एक्सरे हमें करवाना है, चेस्ट एक्सरे हमें करवाना है, बाकी सारी चीजें बाद में होती रहेगी। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, कैसे द क्लाइंट टेम्परेचर, देखो इमीडिएट इन्फेक्शन नहीं होता है, आपने चला उसको डाला, इन्फेक्शन ये नहीं है कि हैंड टू हैंड इन्फेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेवल द ड्रेसिंग डेट एंड टाइम, देखो लेवल लेवल की कोई जरूरत नहीं है जब तक कि वो सही नहीं है, हालांकि हम लेवल एंड डेट डालते हैं लेकिन बाद में डालते हैं। मॉनिटर द ब्लड प्रेशर, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला हमें काम यही करना है कि आपको क्या करना है कि उसके चेस्ट एक्सरे करवाना है, चेस्ट एक्सरे में सारी चीजें जब पता लग जाएगी कि हमें हमारी जो लाइन है वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारी जो लाइन है वो एक्यूरेट जगह पे है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो उसी सारी चीजों को हमें देखना है और उन्हीं सारी चीजों से हमें पता लग जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, एक चाइल्ड है जस्ट रिटर्न फ्रॉम द सर्जरी, एक चाइल्ड है, एक बच्चा है जो रिटर्न हुआ है सर्जरी से, जस्ट रिटर्न फ्रॉम द सर्जरी एंड हैज ए हिप स्पाइक,
एक बच्चा है जिसको हिप का फ्रैक्चर हुआ है, उसको हिप का क्या डाला है, स्पाई का कास्ट डाला हुआ है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा प्रायोरिटी में। सबसे पहले चीज तो आपको हिप स्पाई का पता होना चाहिए कि हिप जो स्पाई का है वो कैसा होता है दिखने में, ठीक है। आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या करते हैं कि हिप को इमोबिलाइज करते हैं, हिप को, क्योंकि बच्चा है, अगर मोबालाइज करेगा तो फ्रैक्चर जो है वो सही नहीं हो पाएगा, जो हमारी लोकेशन डिसलोकेशन हुआ था वो सही नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम ऐसा कास्ट लगाते हैं कि जिससे क्या हो जाए, वो एकदम जाम हो जाए और इमोबालाइज हो जाए, ठीक है। कास्ट आपको पता लग गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो कि प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा गया है, नर्सिंग एंशन क्या होगा, तो हमें क्या करना होता है कि एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, की बेड को एलिवेट करके रखना पड़ता है, ठीक है। बाद में देखते हैं इसके बाद, देखो हेड एलिवेट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अबडक्ट द हिप एंड यूजिंग द पिलो, देखो इसके अंदर अबडक्ट तो हम करते हैं, अबडक्ट तो हम करते हैं, लेकिन जो आजकल के जो कास्ट आते हैं वो कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो कैसे होते हैं, वो ऑलरेडी अबडक्ट होते हैं, उसके अंदर किसी भी पिलो की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो आपको दिया गया है रेड कलर की, जो मैंने मार्क किया है, ये जो दिया गया है आपको, ये अबडक्शन के लिए है कि आपकी, देखो इसके पैर जो है वो चौड़े देखने को मिल रहे हैं, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, कि इसको क्या करेंगे, वो पास नहीं आने देंगे, इसीलिए इसके अंदर किसी भी तरह के पिलो की जरूरत नहीं है, और अबडक्ट तो हम करते ही करते हैं, ठीक है बच्चों, ऑलरेडी अबडक्ट है वो। इन टर्न द क्लाइंट राइट, टर्न द क्लाइंट ऑन द राइट साइड, देखो राइट साइड टर्न करना, एक साइड टर्न नहीं कर सकते हम, उसकी चेंज करेंगे पोजिशन, चेंज पोजिशन इन एवरी 2 आवर, कि बेड शोर को प्रिवेंट करना है, सर्कुलेशन को मेंटेन रखना है, तो हमें एवरी 2 आवर क्या करना पड़ेगा, उसकी पोजिशन को चेंज करना पड़ेगा। एंड असेस द क्लाइंट सर्कुलेटरी स्टेटस, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिप स्पाई का कास्ट लगा है, हिप स्पाई का जो कास्ट होता है वो टूर्निकेट की तरह होता है, टूर्निकेट का नाम सुना है आपने, टूर्निकेट का मतलब होता है जब ब्लड सैंपल लेते हैं तो हमारे हाथ में एक ब्लैक कलर का यहाँ पे बांधा जाता है, बांधते हैं नहीं बांधते हैं कि सर बिल्कुल बांधते हैं, तो उसी की तरह काम करता है हिप स्पाई का कास्ट। तो ये क्या करता है, जकड़ लेता है हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को, और ऑल दो हमारी किसको, हमारी आर्टरीज को, हमारी वेन्स को। तो हमें सबसे मेन प्रायोरिटी हमें क्या करना होता है इसके अंदर, हमें सर्कुलेशन पे फोकस करना होता है, बाकी सारी चीजें बाद में हमें देखनी होती हैं। सबसे मेन चीज है सर्कुलेशन, अगर प्रॉपर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह के पास हमें जाना है, तुरंत डॉक्टर से इसको कंसल्ट करना होता है। हिप स्पाई का कास्ट जो होता है वो डेंजरस होता है सर्कुलेशन के मामले में, अगर सर्कुलेशन नहीं होगा तो आगे का जो पार्ट है, डिस्टल पार्ट होते हैं, वो खराब हो जाते हैं, नेक्रोस हो जाते हैं, आगे बात समझ में। तो देखो और चीजें हमें नहीं करनी होती है, मैंने आपको पोजिशन के बारे में बता दिया, एवरी 2 आवर उसकी पोजिशन चेंज करनी होती है, बहुत ज्यादा टर्न उसको नहीं करना होता है, क्योंकि हिप स्पाई का जो कास्ट होता है वो वैसे तो इमोबिलाइज होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, आगे बात समझ में। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो जो जितने भी कास्ट वाले जो ऑप्शंस होते हैं उनके अंदर सबसे पहली चीज हमें यही देखना होता है सर्कुलेशन प्रॉपर है या नहीं, अगर सर्कुलेशन प्रॉपर है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बाकी चीजें बाद में होती हैं, ठीक है। चलिए एक क्लाइंट क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, एक क्लाइंट हैज हैड ए मिलर अवार्ट ट्यूब, एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट है, एक पेशेंट है, उसको क्या लगी हुई है मिलर अवार्ट ट्यूब, कैसी होती है बच्चों, एक एनजी ट्यूब की तरह होती है, या एनजी ट्यूब हम कह सकते हैं, एनजी ट्यूब के पार्ट होता है, एनजी ट्यूब की एक टाइप होती है मिलर अवार्ट ट्यूब, जो कि बहुत लंबी होती है, ठीक है। इज इन प्लेस फॉर द 24 आवर्स, ये इसको प्लेस किया गया है 24 आवर्स के लिए, ठीक है। एंड विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट दैट ट्यूब इज लोकेटेड इन द इंटेस्टाइन, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस ट्यूब को इंटेस्टाइन के अंदर रखा गया है तो हमें कौन सी फाइंडिंग को असेस करना पड़ेगा कि ये इंटेस्टाइन के अंदर है। सरमाई ये क्या होती है बच्चों, देखो मिलर अवार्ट जो ट्यूब होती है ना, मिलर अवार्ट ट्यूब एक टाइप की एनजी ट्यूब होती है, टाइप ऑफ एनजी ट्यूब, ठीक है। लॉन्ग होती है, कैसी होती है, सबसे लंबी देखने को मिलती है, लगभग 3 मीटर की होती है, कैसी होती है, लगभग 3 मीटर की होती है और लंबी होती है। इसकी बात हम करते हैं कि सर लंबी तो होती है, ठीक है लंबी तो होती है, ये किसके यूज में होती है कि सही भैया, ये इंटेस्टाइन के डिकम्प्रेस करने के लिए यूज में होती है,
यूज्ड इन इंटेस्टाइन डीकंप्रेशन? और रिलीफ इन ऑब्स्ट्रक्शन? देखो सिंपल सी बात है, इस ट्यूब का यूज कहां पे होता है, जैसे कि सपोज हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, डीकंप्रेशन हो गया है, ठीक है। तो उन कंडीशंस के अंदर क्या देखने को मिलती है, ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। अब तो ये कंडीशन के अंदर मिलर अवॉर्ट ट्यूब का यूज होता है, और मिलर अवॉर्ट ट्यूब के अंदर क्या देखने को मिलती है कि मिलर अवॉर्ट ट्यूब इंटेस्टाइन के, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्लाइंट जो कि मिलर अवॉर्ट ट्यूब 24 आवर्स के लिए उसके अंदर लगाई गई है। अब ट्यूब इज लोकेटेड इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर ट्यूब को लगाया गया है, तो कौन सी फाइंडिंग होगी, हमें कैसे पता लगेगा कि ये ट्यूब इंटेस्टाइन के अंदर गई है? इनमें से कौन सी फाइंडिंग ऐसी है जो कि मिलर अवॉर्ट ट्यूब के इंटेस्टाइन में होने का पता लगाती है? सिंपल सी बात है, आगे बात से बताएंगे। देखो द क्लाइंट इज नॉजियस, कि क्लाइंट को नॉजिया होगा, उससे कोई कंडीशन की पता नहीं लगेगा। बॉवल साउंड आर एबसेंट, देखो बॉवल साउंड एबसेंट होते हैं तभी इस ट्यूब को डाला जाता है, और इस ट्यूब से क्या हो जाते हैं, बॉवल साउंड प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये भी गलत होना। एस्पिरेट द ट्यूब हैज pH 7। देखो हमारी जो इंटेस्टाइन का pH होता है वो कैसा होता है बच्चों, वो एल्केलाइन होता है नहीं होता है। और हमारे जो स्टमक का पीएच होता है वो कैसा होता है, वो होता है एसिडिक होता है मेरे प्यारे बच्चों। कैसा होता है कि सर हमारे इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, और हमारे सॉरी इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो एल्केलाइन होता है, और एसिडिक कैसा होता है, एसिडिक कहाँ का होता है, हमारे स्टमक का होता है। अगर आपको पीएच, आपने ट्यूब वहां से एस्पिरेट किया और ट्यूब का जो पीएच है, आपका जो एस्पिरेशन का जो पीएच है अगर 7 देखने को मिलता है, इसका मतलब कि आपकी जो ट्यूब है वो कहाँ पे है, इंटेस्टाइन के अंदर है। अगर इसका पीएच एसिडिक देखने को मिलता है तो आपकी जो ट्यूब है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। आगे बात में, तो थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। द एब्डोमिनल रेडियोग्राफ रिपोर्ट इंडिकेट दैट द एंड ऑफ द ट्यूब इज अबव द पाइलोरस। अबव द पाइलोरस मतलब कि अबव द पाइलोरस का मतलब पाइलोरस के ऊपर है, पाइलोरस का ऊपर मतलब कि इसको कहां डाला जाता है, बियॉन्ड द पाइलोरस, बियॉन्ड द पाइलोरस, समझ में आई बात। बियॉन्ड द पाइलोरस का मतलब समझ लो कि पाइलोरस जो पार्ट होता है उससे भी आगे इसको डाला जाता है। आगे बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर चेस्ट रेडियोग्राफ का ऑप्शन दिया होता तो उसको हम करेक्ट करते, और एस्पिरेशन का ऑप्शन दिया होता है तो हम एस्पिरेशन करते हैं। आपको पता है, आपको ये चीज तो पता होगी 100%, मैं आपको चीजें बताता हूं। देखो जैसे हम कभी भी एनजी ट्यूब डालते हैं, जब भी हम एनजी ट्यूब का इंसर्शन करते हैं, जब भी हम एनजी ट्यूब डालते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर, ठीक है, तो हम किन किन चीजों से पता लगाते हैं कि ये स्टमक के अंदर है। देखो सबसे पहली चीज होती है कि चेस्ट एक्सरे करवा लो, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या कर लो, जो हमारा एयर फ्लो होता है, या फिर हम कह सकते हैं पीएच आप चेक कर सकते हो। अगर एसिडिक है, एसिडिक है तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी कि सर हमारा स्टमक के अंदर है, ठीक है। आप क्या कर दो, एयर पुश कर लो, एयर पुश करके स्टेटोस्कोप के सुन लो, ठीक है। तीसरा नंबर, चौथा नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, चौथे नंबर पे हम क्या करते हैं, जो हमारी एनजी ट्यूब होती है उसको वाटर के अंदर डिप करते हैं, वाटर के अंदर डिप करते हैं। अगर बुलबुले उठते हैं तो इसका मतलब कि रेस्पिरेशन के अंदर है, और बुलबुले नहीं उठते हैं तो वो ट्यूब कहाँ है, हमारे स्टमक के अंदर है, ठीक है। ये बात आप सभी को पता है। ऐसा ही कंडीशन मिलर अवॉर्ट ट्यूब के अंदर होता है प्यारे बच्चों। अगर हमारे चेस्ट एक्सरे दिया हो तो चेस्ट एक्सरे सबसे पहले प्रायोरिटी पे होता, और अगर पीएच के बारे में बताया गया तो पीएच कैसा होगा, यहाँ पे एल्केलाइन देखने को मिलेगा, मतलब कि pH 7 देखने को मिलेगा। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, जो क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन को समझना पढ़ना। वाइल ए क्लाइंट विद द मैक्स एडिमा, वाइल ए क्लाइंट विद द मैक्स एडिमा, मैक्स एडिमा का मतलब अगर किसी को बताए तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है। मैक्स एडिमा क्या होता है, देखो क्लाइंट विद द मैक्स एडिमा इज बीइंग एडमिटेड विद द हॉस्पिटल एंड क्लाइंट रिपोर्ट एंड क्लाइंट रिपोर्ट हैविंग द एक्सपीरियंस लैक ऑफ एनर्जी, कोल्ड इंटॉलरेंस एंड पफीनेस अराउंड द आईज एंड फेस, एंड द नर्स नोज द सिम्टम्स एंड कॉज द बाय लैक ऑफ प्रोडक्शन विच हार्मोन। कौन से प्रोडक्शन की हार्मोन की कमी से आपको मैक्सी एडिमा देखने को मिलता है? देख आपने हाइपोथायरायडिज्म का नाम सुना है, आपने हाइपोथायरायडिज्म का नाम सुना है,
सर बिल्कुल सुना है, जिसके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, क्या हो जाता है कि थायराइड हार्मोन डिक्रीज, थायराइड हार्मोन कैसा होता है कि थायराइड हार्मोन जो है कम हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे कहूं कि सीवियर, सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है किसी पेशेंट को, मतलब कि बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन की कमी हो गई है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मैक्सेडिमा, जिसके अंदर आपको पफीनेस अराउंड द फेस आपको देखने को मिलती है, सूजा हुआ चेहरा आपको देखने को मिलता है पेशेंट का। कैसा देखने को मिलता है? पफीनेस, मतलब सूजा हुआ चेहरा आपको देखने को मिलेगा मैक्सेडिमा के अंदर। पैर भी सूजे हुए देखने को मिलेंगे। आगे बात सोच में, उस कंडीशन के अंदर कौन सा हार्मोन होगा भैया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं होता है हमारा, एसीटीएच हार्मोन नहीं होता है हमारे, थायराइड हार्मोन होते हैं T3 या थायरोक्सिन हार्मोन T4। हार्मोन की कमी हो जाने पे क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म या मैक्सेडिमा देखने को मिलता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो क्या काम करता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर मिल्क का प्रोडक्शन करता है। जब भी फीमेल एक क्या करती है, एक बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है और ब्रेस्ट से मिल्क का प्रोडक्शन करने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन भी हार्मोन होता है बच्चों, एक हार्मोन होता है सिंटोसिन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन का हार्मोन क्या काम करता है? ये लेट डाउन रिफ्लेक्सेस, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लेट डाउन रिफ्लेक्स कौन करता है, तो आपको बताना है कौन करता है, हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो लेट डाउन रिफ्लेक्स कौन करता है? तो ऑक्सीटोसिन करता है, और मिल्क को इजैकुलेशन में काम करता है। मिल्क एजैकुलेशन का मतलब क्या होता है? बाहर निकालने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। किसी भी प्रकार की कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। आगे बात समझ में, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन के अंदर डाउट नहीं होना चाहिए आपको। समझ में आ गई मेरी बात समझ में? तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने ही काफी है क्वेश्चंस। आगे पढ़ते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के अंदर। इस क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें, और रोज क्लास हमारी होने वाली है आपसे, 10 से 15 क्लासेस आपको दी जाएंगी, और 10 से 15 क्लासेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी 100% गारंटी के साथ। आगे बात में, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो सबको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। कहते हैं ना कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है, तो हमेशा ज्ञान को बांटते रहना चाहिए, सेल्फिश नहीं बनना है, अपने दोस्त को भी अपने साथ लेके चले। आगे बात सुन लें, तभी आपकी सक्सेस जो है बहुत निश्चित हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इसी तरह पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।